जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हों, मैं भी ठीक हूँ। और फिर से स्वागत है आपका लाइव ब्लॉग जैसी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का मौसम का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा गर्म हो रखा है भाई। तो आज आ रखा हूँ मैं गार्डन में, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तभी ये पेड़ पर पत्ते नहीं आए, ज़बरदस्त फूल खिले हुए भाई यहाँ पर। तो हमारे साथ में अपने गजेंद्र भाई जी, तो आज दिखाते हैं आपको यहाँ पे भाई कैसे कैसे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। नज़ारा देखो आप। तो गाइस ये देखो आप, इस तरह के फूल खिले हैं भाई। एक ही दिन में, दो दिन में धूप लगी और देखो ज़बरदस्त नज़ारा हो रखा है भाई यहाँ का। तो पूरा गार्डन भरा हुआ है इन फूलों से, वो सामने आप देख सकते हैं। जितना लंबा नज़र पहुँचे आपकी, तो उस तरफ पूरे फूल हैं और वो सामने की तरफ भी ऐसी एक वो बना हुआ है, तो वहाँ पर भी फूल हैं उस तरफ, वो सामने की तरफ। तो पूरा गार्डन में है भाई। तो यहाँ पे देखने का नज़ारा हो रखा है आज, काफ़ी सुंदर व्यू है। तो चलो आगे से बताते हैं आपको। पहले तो देख सकते हैं आप लोग भाई, यहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं घूमने के लिए पार्क में। और अच्छा अच्छा मौसम है आज का, तो आप देख सकते हैं कोई वहाँ पे गेम खेल रहा है, कोई बैठे हुए हैं। और सबसे अच्छा तो ये फूल है भाई यहाँ पर, इनको देख के तो बस। तो ये पीछे ये पेड़ हैं भाई, यहाँ पे इन पेड़ पे हाथ लगाने भी जुर्म है, क्योंकि ये यहाँ से ये पेड़ लुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट का सख्त रूल है कि इन पेड़ों को ना छुआ जाए और ना इनके इनको कुछ मतलब नुकसान पहुँचाया जाए। तो ऐसे ये हैं, ये पेड़ इसी पार्क में हैं। लोग यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो पेड़ हैं यहाँ से लुप्त हो रहे हैं, तो यहीं पर हैं ये बस। और वो आगे की तरफ, सामने की तरफ, और पार्क में काफ़ी भीड़ है भाई, देख सकते हैं आप लोग। कुछ लोग उस सामने पे खेल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ घूम रहे हैं इस तरफ, और आधे से ज़्यादा लोग सब फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये नज़ारा देखने वाला नज़ारा है। और ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसके बाद ये फूल तुरंत ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े हल्के फुल्के मौसम के लिए हैं। जैसे ही मौसम ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये सारे फूल वो हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो फिर यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके के फूल आते हैं, तो उनको लगाते हैं लोग। तो ये नेचुरल हैं, यहाँ पे हर साल होते हैं ये, क्योंकि हम हर साल ऐसे टाइम पे यहाँ पे आते रहते हैं ये फूलों को देखने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं, अभी छोटे हैं पर ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे ये, क्योंकि ये जल्दी ये फूल ज़्यादा धूप से ज़्यादा गर्मी से ख़राब हो जाते हैं तुरंत ही, तो कुछ टाइम के लिए बस। उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ के जो फॉरेस्ट वर्कर हैं वो लोग आके फिर यहाँ पे फिर से वो करता है, फूल लगाते हैं यहाँ पे। पार्क में हम आगे आके, तो यहाँ पे ये अभी इन्होंने फूल वो लगा रखे हैं, अभी यहाँ पे भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे हर साल ये लोग करते हैं, लगाते हैं, तो अभी लगाए नहीं। और वो सामने ईगल का स्टैचू है। तो अभी आगे भी काफ़ी बड़ा पार्क है, तो आगे भी चलते हैं। और नीचे एक वो भी है, फाउंटेन भी है, वाटर फाउंटेन। तो अगर सब कुछ चालू रहेगा तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको, वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे।
से एक अच्छी चीज़ दिखाने वाला मैं आपको। माई लाइफ ये है, आप देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे मियाँ बीवी भी बैठे हुए हैं, काफ़ी एजेंट है, लेजेंड है भाई, उम्र वाले बहुत ज़्यादा उम्र वाले हैं, और आराम से अपने प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये ऊपर लगा हुआ है, नीचे वो पानी का वो है झील, आप देख सकते हैं पानी की झील को नीचे। तो अभी हम नीचे चलते हैं, काफ़ी लोग नीचे भी घूम रहे हैं, चलो नीचे भी जाते हैं। और ये सामने की तरफ स्टेडियम है, आप देख सकते हैं, तो स्टेडियम भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम स्टेडियम में, तो ये यहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं उसके लिए स्टेडियम बना हुआ है, और यहाँ बाहर फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये भी सचिन की फ़ोटो है, इसी सिटी की फ़ोटो है। और ये भी, ये हमारे रूम के नीचे जो रिवर है उसके साइड में लगा हुआ है ये ऐसा स्ट्रक्चर, पनी कुछ चीज़ का है ये। और तो कुछ ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं यहाँ पे, जैसे म्यूज़िक वगैरह या कुछ प्रोग्राम होते हैं इनके, तो ऐसे होते हैं यहाँ पे, इतनी भीड़ लगी रहती है भाई, तो सारे इसी कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये स्टेडियम इस तरफ है, तो दिखाता हूँ आपको ये स्टेडियम यहाँ से। तो एक तो इसको बहुत सारा खूबसूरत नज़ारा नीचे की तरफ है, तो सामने स्टेज है वो, जहाँ से जहाँ पे वो होता है म्यूज़िक वगैरह सिस्टम लगा रहता है, और उसके जो बाहर के नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको, तो पानी की झील है, और ये यहाँ पे बैठने के लिए है। तो ये ऊपर से पूरा कवर किया हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है सारी, और जब यहाँ पे कॉन्सर्ट होता है तो यहाँ पे ये लोग पूरा डीजे वगैरह सब लाइटिंग लूटिंग चालू करके फिर यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और ये यहाँ पे आंटी को देख सकते हैं भाई, काफ़ी उम्र वाली आंटी है और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये तो गुड फॉर हेल्थ, देख लो आप, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, 80+ है। तो ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है ये, आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे इन्होंने एक स्टैचू लगा रखा भाई, पन्नी किस चीज़ का है सामने। और अभी ये पूरा जंगल हरा होने वाला है कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिन में पूरा हरा हो जाएगा ये लगभग, जैसे जिस हिसाब से आज का मौसम है। कबूतर हैं, छोटे छोटे कबूतर आ रखे हैं, ये भी खा रहे हैं खाना। और ये इस तरफ देख सकते हैं आप, ये तीसरा भी आ गया कबूतर। तो ये पक्षी तो बहुत सारे हो गए भाई इकट्ठा इस बार, एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो गए। देखो जैसे ही डालो वैसे तुरंत चपटा सीधा खाने पे टूट पड़ रहे हैं वो। ये देख लो, ये देख लो, एक ही बार में सीधा। देख रहे हैं आप, बहुत सारे हो गए भाई इकट्ठा एक बार में, देखो क्या जबरदस्त नज़ारा है यार। तो गाइस हम आ गए हैं आगे से घूम के भाई, तो आगे का नज़ारा आपने देख लिया होगा। हम लोग स्टेडियम तक गए थे, उसके बाद फिर रिटर्न आए, तो पहले के तरफ से हम उस तरफ से आए थे आने के टाइम पे, और जाने के टाइम पे हम इस तरफ से हैं। तो यहाँ भी इस तरफ भी काफ़ी फूल देख रहे होंगे आप, तो यहाँ दिन भर लोग लगे रहेंगे फ़ोटो शूट करने पे, क्योंकि अभी भाई
यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा है। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, कोई गिनती नहीं है कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे दिल्ली के फ़ोटो शूट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कैमरे पे इतना साफ नहीं आ रहा है, पर जो हम लोग लाइव देख रहे हैं उसका कुछ नज़ारा अलग ही है भाई। केसर, जैसे केसर होता है ना, केसर के जैसे फूल हैं ये, जो केसर के फूल होते हैं ना, सेम वैसे ही लगभग। तो ये है नज़ारा आज दिन का। तो अभी हम लोग यहीं से घूमते घूमते रूम पे चले जाएंगे फिर भाई। आजकल टाइम भी उतना ही होता है, फिर सेकेंड डेज ड्यूटी पे जाना होता है। ये भाई यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्रेन आ रही है, कुछ इस तरीके की बनाई हुई है ना, देख देख। तो ये बच्चों के लिए बना रखा है यहाँ पे खेलने के लिए। पूरी रोड पे चल रहा है भाई, ये घंटी बजाते बजाते जा रहा है। ये सामने पे यहाँ पे भाई उन्होंने गुब्बारे लगा रखे हैं, बलून, जो बच्चों के लिए है खेलने के लिए। तो बच्चे लोग काफ़ी भीड़ आ रही है, आप सामने देख रहे होंगे पूरे गार्डन में भाई लोग घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज अच्छा मौसम है और इस मौसम के चलते चलते लोग काफ़ी लोग आ रखे हैं बाहर, देख सकते हैं आप। तो ये नज़ारा है आज दिन का। तो आज का दिन यहीं समाप्त तो होता है, फिर इसके बाद घर पे फिर एडिटिंग होगी, फिर उसके बाद भाई अपडेटिंग पे टाइम जाता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को भी, तो फिर घर पे बातचीत करनी होती है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो ये है यहाँ का नज़ारा, ये कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं अपने बच्चों की। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।